हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदया ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 12 वोल्ट के लेड लाइट को चेक करके टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि क्या वह सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट से ही चलेगा कि मोबाइल चार्जर से भी जल सकता है, 6 वोल्ट से जल सकता है। तो आइए मैं आपको यहाँ इस वीडियो में टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या वो 12 वोल्ट से ही चलेगा कि 6 वोल्ट से भी जलता है या मोबाइल चार्जर से भी जलता है। तो आइए हम आपको यहाँ टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ जो है कि हम पहले मल्टीमीटर लिए हुए हैं और मल्टीमीटर की सहायता से यहाँ जो है कि मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जो है कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि 8 वोल्ट जो है कि 8 वोल्ट 2.9 पॉइंट यानी 8.29 बता रहा है। तो यह बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है और यह 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि 8.29 बता रही है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इस वाले में जो यह मोबाइल चार्जर है, इस वाले में जो है कि हमें 5.07 वोल्ट मिल रहा है। तो यह 5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ 8 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 8.29 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो पतला वाला वायर आया हुआ है, यह जो है कि यहाँ चार्जर की करंट से, चार्जर का करंट हमें मिल रहा है और यह जो है कि हमारे बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी अभी डिस्चार्ज अवस्था में बता रही है जो कि 8 वोल्ट बता रही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जिस पे ये लाइन बना हुआ है प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस वाला सारा है, प्लस वाला जो है कि प्लस पे लाइन बना हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यह 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन है जो कि डिस्चार्ज अवस्था में 8 वोल्ट बता रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज होने के पश्चात भी यह लाइट जो है कि जल रहा है लेकिन काफ़ी प्रकाश नहीं कर रहा है, और डिस्चार्ज होने की अवस्था में भी यह लाइट हल्का हल्का, मतलब अपना फुल तरीके से प्रकाश नहीं दे पाया लेकिन जल रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इसको प्लस से और यहाँ इसको माइनस से जो है कि जोड़ दिया जा रहा है, फिर भी यहाँ जो है कि यह मोबाइल चार्जर की 5 वोल्ट की DC करेंट से नहीं जल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पलटी करके भी दिखा देता हूँ वायर को भी, तो जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में भी लगा देने पे यहाँ जो है कि यह बल्ब नहीं जल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि जो 12 वोल्ट की बैटरी है, यह डिस्चार्ज है फिर भी यह 8 वोल्ट बता रहा है, फिर भी यह 12 वोल्ट वाली बैटरी से जल पा रहा है। और यहाँ जो है कि मोबाइल चार्जर की सहायता से यहाँ जो है कि 5 वोल्ट यहाँ है, यहाँ जो है कि नहीं जल पा रहा है। तो यह लगभग जो है कि 6 वोल्ट के ऊपर से ही जलना शुरू होता है, तो 6 वोल्ट के ऊपर से ही जलना शुरू होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है जो कि 8.29 वोल्ट है, उससे ये लेड लाइट जल रहा है लेकिन जो है कि यह 5 वोल्ट के चार्जर से नहीं जल रहा है। तो अगर आप लेड लाइट इस्तेमाल करते हैं या फिर करने वाले हैं या फिर आप चाहते हैं कि मोबाइल चार्जर से इसको चलाया जाए, तो यह वाला लेड लाइट जो इस तरीके से आ रहा है प्लेट वाला, ये आपका नहीं चल पाएगा मोबाइल चार्जर की सहायता से। हाँ, आपका बैटरी डिस्चार्ज रहेगा तो भी यह लाइट अच्छे से जलेगा क्योंकि यह बहुत ही कम सप्लाई पे चल पाता है। तो बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है लेकिन फिर भी उससे यह चल जा रहा है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदया ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।